पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिसीजन ऑफ द कोर्ट हैव रिजल्टेड इन प्रोटेक्टिंग ऑनर एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन। तो ऐसा कौन सा डिसीजन कोर्ट ने लिया था जिससे औरतों का, ऑनर का मतलब होता है सम्मान और डिग्निटी का मतलब होता है गरिमा, कि उनका मान सम्मान गरिमा ये सब बचा हुआ रहा, ऐसे कौन सा डिसीजन कोर्ट्स ने लिए। तो बहुत ही सिंपल आंसर है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे इसको। तो यहाँ लिखा है द एपेक्स कोर्ट हैज़ गिवन सेवरल जजमेंट। तो जो एपेक्स कोर्ट मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है, तो जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने बहुत सारे जजमेंट्स दिए हैं जिसके वजह से औरत का ऑनर मतलब सम्मान प्रेस्टीज मतलब उनकी गरिमा जो थी वो बनी हुई है। तो देखते हैं वो कौन सा जजमेंट है। सबसे पहले है राइट टू एलिमनी। तो सबसे पहला जजमेंट जो हमें याद रखना है वो कौन सा है, राइट टू एलिमनी। राइट टू एलिमनी का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा अंडरलाइन भी कर दूँ, राइट टू एलिमनी। राइट टू एलिमनी का मतलब होता है कि जो महिलाओं का डिवोर्स हो जाता है उसके बाद उनको पैसा मिलता है, तो वो जो अधिकार उनके पास है कि डिवोर्स के बाद उन्हें पैसा मिलेगा उसे हम कहते हैं राइट टू एलिमनी। तो ये एक बड़ा अच्छा जजमेंट था कोर्ट का। उसके साथ साथ राइट टू इक्वल रेन्यूमरेशन, इसका मतलब होता है कि मान लो एक आदमी कोई काम कर रहा है और एक औरत कोई काम कर रही है, तो दोनों को अगर सेम काम है तो इक्वल पेमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये रेन्यूमरेशन अगर तुम नहीं लिख पाओ तो लिख दो कि राइट टू इक्वल पेमेंट ऑफ द सेम वर्क डन बाय मेल एंड फीमेल, ये भी लिख सकते हो ना, इतना कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं होती। तो एक तो राइट टू एलिमनी है कि डिवोर्स के बाद उन्हें पैसा मिलता है, फिर अगर उन्होंने सेम काम किया है तो सेम पैसा उनको मिलना चाहिए, ये दूसरा काम कोर्ट का जजमेंट था। तीसरा है वुमेन हैव इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ हस्बैंड एंड फादर। तो भाई औरतों के पास अपने पति और अपने फादर के दोनों के प्रॉपर्टी पे इक्वल अधिकार होता है। जैसे कि ऐसे होता है ना कि जब फादर की डेथ हो जाती है तो बच्चे लड़के को लगता है कि सारा प्रॉपर्टी उसी का ही है। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि ऐसा नहीं है, वुमेन्स के पास भी इक्वल अधिकार है अपने पति और अपने पापा के प्रॉपर्टी पे। इस ये क्यों किया गया, ताकि औरतों का फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, है ना, उनके पास भी ऐसा पैसा पानी हो ठीक ठाक, उनको ऐसा दिक्कत ना हो कि कल को कौन मेरे साथ रहेगा अगर मेरा पति नहीं है मेरा पापा नहीं है। तो उनके पास ही प्रॉपर्टी का अधिकार है। तो तीन जो जजमेंट हमें याद रखना है, पहले हो गया राइट टू एलिमनी, अभी से याद करो राइट टू एलिमनी, वो जो डिवोर्स के बाद पैसा मिलता है। दूसरा राइट टू इक्वल रेन्यूमरेशन, मतलब जो काम किए हो चाहे आदमी काम करे चाहे औरत करे, तो ये नहीं कि औरत काम करे तो कम पैसा मिलेगा, नहीं, पेमेंट सेम मिलेगा, तो राइट टू रेन्यूमरेशन हो गया। उसके बाद में प्रॉपर्टी में इक्वल अधिकार है चाहे वो हस्बैंड का हो या फिर फादर का हो। फिर अगला कौन सा याद रखना है, अगला याद रखना है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। डाउरी का मतलब होता है जो दहेज था उसको प्रोहिबिट कर दिया गया, कि भाई दहेज तुम लेन देन जो भी अगर दहेज लेन देन करेगा तो उसे जेल हो सकती है, ठीक है। तो ये किया गया डाउरी प्रोहिबिशन। और क्या किया, द एक्ट अगेंस्ट सेक्सुअल हरेसमेंट। तो जो औरतों को सेक्सुअली हरेसमेंट होती है, इवन ईव टीजिंग होती है, तो उसके खिलाफ भी कुछ कुछ कानून लाए गए। उसके बाद में डोमेस्टिक वायलेशन प्रोहिबिशन एक्ट है। डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब जो घर में औरतों को मारा पीट जाता है, उसके खिलाफ भी कानून लाया गया। तो ये कुछ जजमेंट थे जो सुप्रीम कोर्ट ने, एपेक्स कोर्ट ने लाया था, जिसके वजह से औरतों की सम्मान और उनका गरिमा बनाए रखा गया। तो क्या क्या था याद कर लेते हैं, राइट टू एलिमनी, राइट टू रेन्यूमरेशन, फिर प्रॉपर्टी में राइट्स हस्बैंड और फादर के, फिर डाउरी प्रोहिबिशन और सेक्सुअल हरेसमेंट के अगेंस्ट लाया गया, और साथ में डोमेस्टिक वायलेंस। तो बस इतना याद रखना है, राइट टू एलिमनी, राइट टू इक्वल रेन्यूमरेशन, फिर प्रॉपर्टी हस्बैंड एंड फादर में इक्वल राइट है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट अगेंस्ट सेक्सुअल हरेसमेंट, और आखिरी है डोमेस्टिक वायलेंस प्रोहिबिशन। ये सारे जजमेंट्स कोर्ट ने लाई थी, ठीक है। तो आई होप ये आंसर समझ आया हो। अगर एक और बार मैं रिवाइज करा दूँ तो राइट, तो एक तो राइट टू एलिमनी लिखना है तुम्हें, राइट टू एलिमनी के बाद आएगा इक्वल रेन्यूमरेशन, स्पेलिंग पढ़ के जाना, ठीक है। उसके बाद में प्रॉपर्टी पे इक्वल अधिकार है चाहे वो फादर के हो या फिर वो हस्बैंड के हो। उसके बाद में डाउरी प्रोहिबिशन, और उसके साथ साथ में एक्ट अगेंस्ट सेक्सुअल हरेसमेंट, और जो डोमेस्टिक वायलेंस जो घर में औरतों को पीटा जाता था उसके लिए भी अलग एक जजमेंट आया है, तो एक्ट अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। तो ये सारे पॉइंट्स हमें इसमें याद रखना है कि ऐसे इनके ऊपर जजमेंट आया हुआ है। तो आई होप ये आंसर समझ आया, एक बार पढ़ के इसे लिख लेना।